किन्नौर जिले में बुधवार सुबह से ही लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में जिला किन्नौर का तापमान शून्य से नीचे चल रहा है। इसके चलते कई पैदल मार्ग जमने लगे हैं और पीने के पानी के बड़े जल स्रोत भी जम चुके हैं। ऐसे में जिले में अब बर्फ की सफ़ेद चादर तले लोगों के परेशानियों का अंधकार बढ़ने लगा है। किन्नौर जिले में जनवरी माह में ये बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में पर्यटकों की आमद भी अब जिले की ओर बढ़ने लगी है। बर्फबारी होते ही जिले में बागवानों और किसानों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि बर्फबारी के बाद अब सेब के बगीचों में लिंचिंग आवर का समय शुरू हो जाएगा और बागवानों और किसानों को सिंचाई से भी निजात मिलेगी। किन्नौर जिले में बर्फबारी के बाद पर्यटन व्यवसाय पर भी चार चांद लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी में जिले के पर्यटक क्षेत्र में साहसिक खेलों की गतिविधि शुरू हो जाती है और पर्यटक जिले में बर्फबारी का खूब आनंद लेने के लिए आते हैं। वहीं प्रशासन ने भी हाल ही में बर्फबारी से निपटने के लिए बैठक की, जिसमें सर्दियों की आपदाओं से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई और प्रशासन लगभग बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और जगह जगह सड़कों पर मशीनरी भी तैनात की गई है।